हरिओम, मेरा नाम सुनील सिंह खानोलकर। मैं वाशी उपासना केंद्र में करीब करीब 47 से आ रहा हूँ बापू के पास। और ये अनुभव मेरा जो मेरा करंट जॉब है उसके संबंधित है, तो मैं वो अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 14 अगस्त 2019 में ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करने के वक्त मेरे साथ जो घटना घटी वही मैं कथन करने जा रहा हूँ। मेरा जॉब आईटी एडमिन होने के कारण ओरेकल डेटाबेस रिलेटेड काम मेरे पास आ गया था। ओरेकल डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना था और 7-8 घंटे वो ओरेकल डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब मैंने वही कॉन्फ़िगरेशन ओरेकल टीम के साथ शेयर किया तो उनके जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ है, लेकिन मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन जो अपना करंट प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही चाहिए। तो उन्होंने ये हट धरा कि वो कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन से मैच होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने अपने 7-8 घंटे ये कॉन्फ़िगरेशन करने में गंवाए थे, इसी कारण मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया कि अभी 7-8 घंटे गंवाने के बाद वापस से 2-4 घंटे और उसमें जाया करना ये मुझे मुनासिब नहीं लगा, लेकिन ये उनकी आवश्यकता थी इसलिए मुझे करके देना ही था। तो मैंने ओरेकल डेटाबेस का वो कॉन्फ़िगरेशन जो नया डेटाबेस का मैंने किया था वो कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन डेटाबेस से कंपेयर करना चालू किया। जैसे ही ओरेकल प्रोडक्शन डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर किया तब मुझे ये समझ में आया कि इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ खामी है। तो वो दूर करने के लिए मैंने नए कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने के बजाय जो प्रोडक्शन का करंट कॉन्फ़िगरेशन था उसमें गलती से वो वहाँ पे चेंजेस करना चालू कर दिया और वो फाइल्स जो डिलीट नहीं करनी चाहिए थी वो डिलीट कर दी। उसकी वजह से ये इम्पैक्ट हुआ कि प्रोडक्शन का कंप्लीट डेटाबेस बैठ गया, मेरी साइट डाउन हुई। ये करीब करीब भारतीय प्रमाण 2 बजे रात के और मेरी कंपनी यूएस बेस होने के कारण शाम के 5 बजे ये घटना घटी। बापू किस तरह से अपने साथ रहते हैं और इन घटनाओं में वो हमेशा अपने भक्त की किस तरह से सहायता करते हैं वो मैं आपको मेरे अनुभव से बताना चाहता हूँ कि ये घटना घटी, लेकिन वो यूएस टाइमिंग शाम का होने के कारण उसमें मेरे वेबसाइट पे यूजर्स कम थे। डेटाबेस डाउन जाने का इम्पैक्ट मेरे करंट प्रोडक्शन में प्रॉफिट या लॉस पे होता था जो कि टल गया। ये यूएस का शाम का वक्त था, उसके वजह से ये सारी दुर्घटनाएं जो थी लॉसेस की वो टल गई थी। लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी थी उसी हिसाब से मैंने अपने सीनियर्स और अपने वीपी उनको ये घटना की तुरंत जानकारी दे दी। और ये जानकारी देने के बाद कभी कभी बहुत सारी कंपनी में ये डेटाबेस है क्रिटिकल है और उसके प्रति ये इंजीनियर का जो बर्ताव था ये केयरलेस में पकड़ा जाता था और उसी घटना से मेरी जॉब जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे बापू भक्त होने के कारण बापू का जो हस्तक्षेप था उसके परिणाम ही विरुद्ध होते हुए दिखाई देने लगे। जैसे कि मेरे वीपी आए, उन्होंने बोला कुछ होता नहीं है, ये सब होते रहता है। उन्होंने मुझे और पॉजिटिविटी, भरोसा, कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की और ऊपर से ये भी कहा हम सब टीम है, हम लोग टीम है, हमारे पास वक्त है, हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे, इसके ऊपर जो भी बन सकता है, जो भी ट्रबल शूटिंग है वो हम लोग
कर लेंगे, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। इस ये बोलने के कारण जो आवश्यक स्टेप्स थी, जो जैसे कि ओरेकल को कॉल लॉक करना, रिपोर्ट करना, ये सारी चीजें स्मूथली होती गई। ओरेकल की तरफ से दो एक टॉम करके सपोर्ट लेवल वन के इंजीनियर यूएस साइड से आ गए। जैसे ही वो आ गए, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो प्रॉब्लम था, जो घटना घड़ी थी, उसकी जांच की। उस पे उन्होंने कहा कि ये नोड जो डाउन गया है वो आपका रिकवर नहीं हो सकता है। तभी और एक बात हमारे जो टीम थी उनमें उनके ध्यान में आई कि हमारा दूसरा नोड जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहा है। तो हमारे सारे टीम ने ये भी अनुभव किया कि अच्छा हुआ ये इंसिडेंट हुआ, उसके वजह से कम ये जानकारी तो मिली कि ये प्रोडक्शन टाइम में अगर होता था तो हमारे कम्प्लीटली प्रोडक्शन बैठ जाता था, उसकी भी जानकारी हमें मिली। तो ये पॉजिटिव वे था जो बापू ने इस घटना में, बापू का हस्तक्षेप कैसा कैसा हो रहा है ये आगे हम लोग देखते जाएंगे। लेवल वन के इंजीनियर ने कहा ये हो नहीं सकता है, इसमें कुछ कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दूसरे इंजीनियर को बुलाया गया जो उसका सीनियर था, उसने भी ये सब जांच की। ये सभी जांच करते हुए उसे भी इसमें कोई रिकवरी होने का चांसेस कम दिखाई देने लगा। इन दोनों का जब वार्तालाप हमारे साथ हो रहा था तो मैं मन में अत्यंत घबराया हुआ था कि अभी कुछ खैर नहीं, शायद जॉब पे भी बन के आ सकती है, जॉब भी चला जा सकता है इसी। लेकिन बापू की कृपा इतनी है कि बापू की जो लीला है, उस लीला ने मैंने मन में ही बापू को पुकारा, बापू को मन में ही पुकारते ही बापू की जो लीला है वो वहां पे दिखाई दी। इन दोनों इंजीनियरों का जब संवाद चल रहा था तभी एक सीनियर इंजीनियर जो ये प्रॉब्लम न जानते हुए ये दोनों के संवाद के लिए सुनकर जो इसके बीच में आ गया, उसने वो दोनों इंजीनियर्स की बातें सुन ली और फिर उन्हें कहा कि ओरेकल में जब मैं ज्वाइंट हुआ तभी ओरेकल ने मुझसे ये सारा बेयर मेटल ट्रबल शूटिंग करवा के लिया था। तो मेरे पास इतना सारा अनुभव है कि ये जो दुर्घटना घटी है उसको मैं सही कर सकता हूँ और इनका जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जो अभी डाउन है उसको मैं अप करके दे सकता हूँ। तभी मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंस जागृत हुआ कि यस, ये मेरे बापू ने भेजा हुआ बंदा है। उस बंदे का नाम कोठारी था, फिर भी वो बंदे ने एक चीज कही कि मुझे एक फैमिली फंक्शन, उसकी खुद की एनिवर्सरी थी वो अटेंड करनी थी, उसकी वाइफ ने कुछ फंक्शन आयोजित किया था उसी रिलेटेड, तो वो कह रहा था कि शायद मैं उसके लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन बापू की लीला वहां पे भी काम कर गई, उसने तुरंत एक 10-15 मिनट में सोच के अपना जवाब दे दिया कि मैं तुम लोगों के साथ ये जो डिजास्टर हुआ है उसको मैं रिकवर करके उसको अप करके ही फिर जाऊंगा, आप चिंता ना कीजिए। ये कहते ही हम लोग के मेरे मन में तो मैं समझ गया था कि ये सब बापू ही करवा रहे हैं और दूसरे किसी की इतनी ताकत नहीं है। तो वो इंजीनियर ने करीब करीब 2 घंटे हम लोग को हमारे पास से ही वो जो डाउन गया हुआ नोड था ओरेकल का डेटाबेस का, उसमें कुछ कमांड्स चला करके उसकी रिकवरी कर दी। ये रिकवरी करीब करीब इंडियन प्रमाण, भारतीय प्रमाण के अनुसार सुबह 5 बजे यानी उनके रात के 8 या 9-10 बजे तक ये रिकवरी हो गई थी। दूसरे दिन 15 अगस्त का छुट्टी थी, ये रिकवरी होते होते सुबह के 6 बज गए थे, ये पूरा नोड रिकवर हुआ और उसी के साथ उसने जो क्लस्टर नोड जो चला नहीं था वो भी उसने सिंक्रोनाइज करके उसको चला दिया और वो भी जो इशू था
वो भी रिजॉल्व कर दिया। तो हमारे ना हो तुझे प्रेम में एक अभंग आता है, नाम गीता पूरा कोटि ब्रह्म। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो नाम पूरा कोटि यानी इतना भी, हम लोग जो भक्त श्रेष्ठ लोग रहते हैं वो जो जिस प्रकार से नाम लेते हैं कि वो आकृति खड़ी हो जाए, उस प्रकार से नाम ना लेते हुए मैं तो सामान्य भक्त की तरह बापू को आर्तता से पुकारने लगा कि बापू अभी तुम ही हो, इस सब झमेले से मुझे झंझट से बचाने वाले जो भी हो तुम ही कर सकते हो। तो उसी समय बापू ने जो लीला दिखाई वो मैं आपके सामने ये अनुभव के रूप में बता रहा हूँ। और इसमें मैं बापू को इतना ही कहूंगा कि बापू ऐसे ही मुझे आपके शरण में रखना, अम्बद्य नाथ स्वामी।